अरुंधति रॉय कश्मीर के एक पूर्व प्रोफेसर शौकत हुसैन के खिलाफ 14 साल पुराने मामले को लेकर UAPA के तहत मुकदमा चलाने को मंजूरी मिल गई है। वहीं इस मंजूरी मिलने के बाद AIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इस कानून पर सवाल खड़ा किया है। ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट कर कहा कि UAPA कानून आज फिर से चर्चा में है। यह एक इंतहाई बेरहम कानून है जिसकी वजह से न जाने कितने हजार मुसलमान, दलित और आदिवासी नौजवानों को जेल में बंद करके उनकी जिंदगियां बर्बाद कर दी गईं। यह कानून एक 85 वर्षीय स्टैन स्वामी की मौत का कारण बना। इस कानून को कांग्रेस सरकार ने 2008 और 2012 में और भी सख्त बनाया। मैंने तब भी उस मुखालफत की थी। 2019 में भाजपा ने फिर से इस पर ज्यादा सख्त प्रावधान अता किए। तब कांग्रेस ने भाजपा का साथ दिया था। मैंने तब भी इस कानून का विरोध किया था। अगर मोदी 3.0 से ये उम्मीद थी कि वो चुनाव के नतीजे से कुछ सीखेंगे तो इन्होंने इस उम्मीद पर पानी फेर दिया। जुल्म और जातियों का यह सिलसिला जारी रहेगा। दिल्ली के कॉपरनिकस मार्ग स्थित LTG ऑडिटोरियम में 21 अक्टूबर 2010 को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेखिका अरुंधति रॉय ने और प्रोफेसर शौकत हुसैन पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा, जिसके बाद सोशल एक्टिविस्ट सुशील पंडित ने दोनों के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। कथित तौर पर सार्वजनिक रूप से भड़काऊ भाषण देने के लिए जानी मानी लेखिका कार्यकर्ता अरुंधति रॉय के खिलाफ UAPA के तहत केस चलेगा। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने अरुंधति रॉय के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। उनके खिलाफ यह केस 2010 में दर्ज कराया गया था। अरुंधति रॉय पर आरोप है कि उन्होंने कथित तौर पर 21 अक्टूबर 2010 में आजादी द ओनली वे के बैनर के तले नई दिल्ली में आयोजित एक सम्मेलन में भड़काऊ भाषण दिए थे। पिछले साल अक्टूबर में दिल्ली के उपराज्यपाल ने इसी मामले में अरुंधति रॉय पर IPC की धारा 153A, 153B और 505 के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी थी। ये प्रावधान अक्सर नफरत भरे भाषणों के मामलों में से निपटाने के लिए लागू किए जाते हैं। सभी में अधिकतम 3 साल तक का सजा का प्रावधान है। धारा 153A उन कार्यों से संबंधित है जो धर्म, जाति, जन्म, स्थान, निवास या भाषा के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देते हैं और इसमें सामाजिक सद्भावना बनाए रखने के लिए हानिकारक व्यवहार शामिल है। धारा 153B ऐसे बयान या दावे करने से संबंधित है जो राष्ट्रीय एकता और एकीकरण को कमजोर करते हैं। धारा 505 सार्वजनिक अव्यवस्था को भड़काने के उद्देश्य से जानबूझकर अपमान करने के संबंधित है। यानी कुल मिलाकर आने वाले दिनों में अरुंधति रॉय और पूर्व प्रोफेसर शौकत हुसैन की मुसीबतें और बढ़ने वाली हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए अपडेट लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।